2020 में ऑडियंस मैच्योर बन गया है, जहां एक सिनेमा देखने में जितना खर्चा होता है उसी में एक OTT प्लेटफॉर्म का पूरा ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जहां कंटेंट का कोई कमी नहीं है और ऊपर से लॉकडाउन तो OTT प्लेटफॉर्म का ट्रैफिक और हाई। तो आज हम लोग ऐसे 10 बेस्ट वेब सीरीज का बात करेंगे जो 2020 में टिल जुलाई रिलीज हुआ है। हाई गाइस, मैं हूं मिलन एंड यू आर वॉचिंग जुगारू बॉन्क्स। इन सभी सीरीजों को फ्री में कैसे देखना है ये जानने के लिए आई बटन पर क्लिक जरूर करें। सो बिना वेट के लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला सीरीज है जून महीने में रिलीज होने वाला हॉटस्टार पे अवेलेबल आर्या, जो कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज डच ड्रामा पेनोजा से आधारित है। सीरीज में बहुत दिनों बाद कमबैक कर रही है सुष्मिता सेन, उसके अलावा चंद्रचूड़ सिंह को भी देखा जाएगा। कहानी है सुष्मिता की, जो कि एक बड़ा सा फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है। अब कुछ ड्रग का मामले में उसके हस्बैंड को राइवल गैंग मर्डर कर देता है। अब ये सिचुएशन से कैसे वो अपनी फैमिली को बचाता है उसी को लेकर ये सीरीज है। क्राइम थ्रिलर एक ऐसा कैटेगरी है जिसका दीवाना हर कोई है और इसीलिए मोस्टली वेब सीरीज इसी कैटेगरी से बेस्ड करके बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट सीरीज भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, विथ 8.4 IMDb रेटिंग वुट एप्लीकेशन में रिलीज होने वाला असुर, जहां नजर आएगा अर्शद वारसी बरोन सोबती। सीरीज का प्लॉट कुछ सीरियल किलिंग से जुड़ा हुआ है। अब क्या अर्शद और उसका टीम किलर को पकड़ पाता है कि नहीं, वे जानने के लिए आपको देखना होगा ये सीरीज। विथ 8.6 IMDb रेटिंग हमारा नेक्स्ट सीरीज है स्पेशल ऑप्स, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे मार्च महीने में रिलीज हुआ था। केके मेमन का ग्रेट एक्टिंग के साथ सस्पेंस से भरा हुआ हर एपिसोड, अगर आप स्पाई थ्रिलर का फैन है तो एक मस्ट वॉच सीरीज है ये। कहानी है हिम्मत सिंह का, जो एक रॉ एजेंट है। अब उन्हें एक पैटर्न नजर आता है कुछ टेररिस्ट अटैक में और उन्हें लगता है कोई एक बंदा है इसके पीछे। तो क्या हिम्मत सिंह और उसका टीम इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड को पकड़ पाता है कि नहीं, जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगा। विथ 8.8 IMDb रेटिंग Amazon Prime पे अवेलेबल हमारा नेक्स्ट सीरीज का नाम है पंचायत, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। सीरीज देखते देखते आप कुछ मोमेंट के लिए सोचेंगे कि ये आपकी हमारी कहानी स्क्रीन पे दिखा रहा है। सीरीज में कोटा फैक्ट्री फिल्म जीतू भैया को देखा जाएगा, उसके अलावा नीना गुप्ता रघुवीर यादव को भी देखेंगे। कहानी है अभिषेक का, जो शहर में अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। अब लैक ऑफ जॉब ऑफर के लिए वो UP के एक गाँव में पंचायत सेक्रेटरी का काम करने आता है। अब शहर से इतना दूर आने के बाद क्या एक्सपीरियंस करता है अभिषेक, उसी को लेके ये सीरीज है। हमारा नेक्स्ट सीरीज है अनुष्का शर्मा प्रोड्यूस 9 एपिसोड का पाताल लोक। ये सीरीज 2010 का तरुण तेजपाल का नोवेल स्टोरी ऑफ माय असैसिन से कुछ बेस्ड है। सीरीज में लीड रोल प्ले किया है जयदीप अलावत ने। कहानी है हाथीराम का, जो कि एक साधारण सा पुलिस ऑफिसर है। अब उनको एक हाई प्रोफाइल सा केस मिलता है जिसे सॉल्व करते करते अंडरवर्ल्ड का बहुत सारा मिस्ट्री सबके सामने आने लगता है। मिस्ट्री थ्रिलर कैटेगरी में और एक न्यू मेंबर है ब्रीथ इनटू द शैडो। विथ 7.8 IMDb रेटिंग Amazon Prime पे अवेलेबल अभिषेक बच्चन एक्टेड एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज में अभिषेक को छोड़ के नित्य मेमन और अमित सूद को भी देखा जाएगा। 12 एपिसोड का ये सीरीज कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, मगर अभिषेक बच्चन का एक्टिंग और सस्पेंस आपको हुक करके रखेगा। सीरीज में एक ट्विस्ट है जो आपको ये सीरीज देखने से पता चलेगा। अगर आपने ये सीरीज देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना ये C16 क्या था, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है। हमारा नेक्स्ट सीरीज है विथ 8 IMDb रेटिंग कबीर खान डायरेक्टेड Amazon Prime पे अवेलेबल द फॉरगॉटन आर्मी। ये सीरीज सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्टोरिक इवेंट से बेस्ड है। सीरीज में एक छोटा सा लव स्टोरी के अलावा हमारा आर्मी का स्ट्रगल, उनका सैक्रिफाइस देश के लिए, ये सब दिखाया गया है। SRK का नरेशन और ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है 2020 का। हमारा नेक्स्ट सीरीज कुछ हटके और न्यू है रेड चिली प्रोड्यूस 4 एपिसोड का नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल बेताल, जो कि इंडिया का फर्स्ट जॉम्बी सीरीज है। सीरीज में विनीत कुमार और अहना कुमार को देखा जाएगा। सीरीज का कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बात करता हूँ। रेड चिलीज का ऐसा न्यू इनोवेटिव आइडिया और एक्ट्रेस का खूब एक्टिंग और पावरफुल स्टोरी लाइन ये सीरीज का प्लस पॉइंट है, मगर इसका एडिटिंग और जॉम्बीज बहुत ही घटिया है। एक टाइम में आप बोर फील करने लग जाएंगे। स्टिल अगर आपको जॉम्बीज पसंद है और कुछ न्यू ट्राई करना है तो आप जरूर देख सकते हैं सीरीज को। विथ 7.5 IMDb रेटिंग वूट एप्लीकेशन में अवेलेबल हमारा नेक्स्ट सीरीज है इल्लीगल, जहां लीड रोल पे नजर आएगा नेहा शर्मा। कोर्ट रूम ड्रामा बोलने से तारीख पे तारीख, ऑर्डर ऑर्डर, मुझे इंसाफ चाहिए, जस सब यही सब याद आता है हम लोगों को, मगर ये सीरीज आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस कराएगा कोर्ट रूम ड्रामा का।
विथ 8.4 IMDb रेटिंग जी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल परम ब्रदर चटर्जी प्रोड्यूस माफिया जो कि एक थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है। कहानी है छह दोस्तों का जो मधुपुर के जंगल में रीयूनाइट होता है एक दोस्त का बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। अब इस दौरान कुछ पास्ट के इंसिडेंट इनके सामने आ जाता है तो कैसे ये लोग रिएक्ट करते हैं ये जानने के लिए देखना होगा ये सीरीज आपको। तो आज का लिस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये लिस्ट पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका कौन सा फेवरेट है इन सीरीज़ों में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।